तो लंबा समय लग गया मुलाकात होने में। हम संजोग भी कमाल का है। आई रिमेंबर इन 2020 होली का फेस्टिवल जो है बीता, होली 10 या 11 तारीख को थी, और सॉरी 13 को थी, 13 मार्च को 2020 में, एंड 16 वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ऑफलाइन प्रोग्राम। फाइनली कोरोना का क्या हो गया, अनाउंसमेंट हो गया। द होल ईयर इज गोइंग थ्रू गोइंग थ्रू गोइंग थ्रू। फिर से आया 2021, एवरीथिंग वॉज गुड, वी आर एब्सोल्युटली रनिंग फैंटास्टिक फ्रॉम अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, देयर इज नथिंग इश्यू। 6 मंथ वी डिड वेल। फाइनली फ्रॉम 2nd अप्रैल वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन अ बैच। 2nd अप्रैल से हम लोग फिर से बैच स्टार्ट करना हुआ, और फिर से धड़ाम से चीज़ें कोरोना की वजह से क्या हो गई सर। अप्रैल मई जून, आज गवर्नमेंट ने भी आदेश दिया, जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पे उन्होंने परमिशन ग्रांट की है कि पूरी सुरक्षा और सिक्योरिटी के साथ वो लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और उसी बात को मद्देनजर रखते हुए भी फाइनली डिसाइडेड टू स्टार्ट। पिछले 3 महीने में लगातार रिक्वेस्ट चलती रही है, मतलब इट्स अ कंटिन्यूअस रिक्वेस्ट इज गोइंग ऑन कि सर समय जा रहा है। और मैं हमेशा बात जो कहता हूँ पर्सनली कि वो कहते ना कि जंग जो है वो कहाँ होती है, जंग के एंड द ट्रुथ इज पढ़ाई भी कहाँ होती है, क्लासरूम में। एंड देर इज नो ऑप्शन फॉर दैट, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ना वो बॉन्डिंग, ना वो लिंकिंग, ना वो सच्चाई। पढ़ाई वन साइडेड गेम नहीं होता है, पढ़ाई इज वेरी कनेक्टिंग थिंग। जहाँ हम एक क्लास में बैठते हैं, एक कॉम्पिटिशन होता है, हर महीने हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं, एक प्रेशर होता है कि हमें हर महीने अपनी क्लास में और अपनी स्वयं की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है। क्लास एक ऊर्जा का द्योतक है। तो फाइनली ये डिसीजन काफ़ी देर से बच्चों का चल ही रहा था कि सर कि वी आर रेडी, हम सब तैयार हैं, और हमारे पेरेंट्स भी क्या हैं, तैयार हैं। मरता क्या ना करता वाला हाल है, क्योंकि सर चांस निकल रहे हैं। लकली ऑल लकी पीपल की 5 सितंबर की डेट एनडीए की टाल दी गई। नहीं, आप सोचिए क्या हालात बन रहे थे। बच्चे अभी 12th का रिजल्ट भी नहीं पाए हैं। बहरहाल उतना वेरी नहीं करता, अब आप ये मान के चलो कि पूरा जून तक बच्चों को टॉर्चर रखा गया। अगर आपको रिजल्ट देना ही था और इस तरह करना था तो इतना डिले और इतना टॉर्चर करने की ज़रूरत क्या थी। आप पहले ही कह देते कि हाँ आपका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन डलेमा मतलब आप उहापोह में रहोगे, ये होना है कि ये होना है, ये होना है कि होना है। और ये डायलॉग मारने वाली चीज़ है सर कि अगर बोर्ड हमारा जो है क्लियर नहीं है सर, हम एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। ये बड़ा कहते ना कि इमेजिनरी बात लगती है, प्रैक्टिकल बात के लगती ही नहीं, क्योंकि आपका पहला फोकस बोर्ड हो जाता है। आप कितना भी प्लान करो, कुछ भी करो, सर नहीं हो पाता है सर, दैट्स रियल फैक्ट। तो बच्चों के सामने चैलेंज बहुत बड़ा था, बोर्ड की उलझन चल रही थी। चलो उस उलझन से कैसे भी करके खाली हुए। अब खाली हुए तो लाजमी सी बात है कि अब उनको 5 सितंबर एनडीए का एग्ज़ाम दिख रहा है। 18 अप्रैल वैसे ही ध्वस्त हो गया। 18 अप्रैल में बहुत ज़्यादा जो है अफवाह उसी समय हो गई थी, तो लॉट ऑफ कैंडिडेट नॉट पार्टिसिपेट इन द एग्जाम। बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अब उसे बच्चों का कोई दोष नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिए गए, ऐसा माहौल बना दिया गया कि संभावनाएं क्या हो गई, खत्म हो गई। दुख मुझे ये होता है क्यों एक जैसी बातें नहीं रहती हैं, ये दो तरह की बातों को करने का और कराने का क्या फ़ायदा है। आधे एग्जाम देने जा रहे हैं और आधे एग्जाम देने नहीं जा रहे, केवल एक सही और प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से। और सब कुछ वैसे ही चलता रहा। 18 अप्रैल बच्चों का ध्वस्त हुआ, लास्ट सितंबर भी बच्चों का 2020 वाला एग्ज़ाम अच्छा नहीं कर पाए बच्चे, क्योंकि उसमें भी टाइम उनको उस हिसाब से नहीं मिला था। 18 अप्रैल मुझे याद है बच्चों ने बहुत सारे अक्टूबर से तैयारी शुरू की, कुछ बच्चे इसमें बैठे भी होंगे, अक्टूबर से उन्होंने प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट की बच्चा। और वो प्रिपरेशन स्टार्ट करके भैया जो है उन लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ अप्रैल वाला एग्ज़ाम हमें क्या करना है, प्रॉपर करना है। कई बच्चों के ऐसे हालात बने कि वो 18 अप्रैल का एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए, उसमें भी लास्ट तक। अभी तो नहीं कहना चाहिए मेरे को, सॉरी टू से, इतना डिजिटल प्लेटफॉर्म हो चुका है कि उस समय एनडीए एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन कराने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई थी। मुझे नहीं समझ में आता इतना एग्ज़ाम पोस्टपोन कराने के पीछे लोग ताकत क्यों लगाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता है कि देयर इज़ अ प्रॉपर साइकिल फॉर एवरीथिंग। बेटा हर चीज़ का एक प्रॉपर साइकिल बना हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ बहुत प्रैक्टिकल दुनिया में। किसी भी एकेडमी में एकाएक वैकेंसी बढ़ नहीं सकती और कभी भी वैकेंसी घट नहीं सकती। अगर होगा तो केवल शॉर्टेज होगा। क्या होगा बेटा? चलो हम नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जांपल लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपको पता चला होगा कि 2 स्क्वाड्रन बढ़ाए गए। अब ऐसा नहीं कि 2 स्क्वाड्रन बढ़ाने के लिए कोई अजूबा हुआ, वहाँ ऑलरेडी जो है आपको पता होना चाहिए कि जब स्क्वाड्रन की हम लोग बात करते हैं
तो लाजमी सी बात है कि वहाँ 5 सेगमेंट में बटालियन को पूरा का पूरा बांटा गया है, जिसके अंतर्गत 4-4 स्क्वाड्रन क्या किए गए थे, 4 में तो 4-4 थे, लेकिन जो पांचवा हमारा था उसमें बेटा कितने स्क्वाड्रन थे, केवल 2। तो 4 चौका 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18। तो लाजमी सी बात है कि वहाँ 2 स्क्वाड्रन बढ़ाने का स्पेस पहले से ही था, तो वो 2 प्लस कर दिया गया। तो हाँ बच्चा, टोटल कितना हो गया भैया, अब आपका 20 स्क्वाड्रन आपके जनरेट कर दिए गए। अब 20 के हिसाब से सीट समझो, 120 में हमारे पास 120 होते हैं हमारे एक स्क्वाड्रन में, तो 20 में कितने बन गए बेटा, 2400, मतलब आपके 2400 कैंडिडेट को इंडियन एकेडमी की, नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। अभी तक वो संख्या कितनी हुआ करती थी सर, तो 2160 संख्या थी, कितना था भैया, आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 को, तो 2160 था, क्योंकि शॉर्टेज चल रही थी। इससे पहले भी वीडियो में मैंने बताया कि किस वजह से पहले ही पार्लियामेंट में इशू चल रहा था, और फाइनली ये डिसीजन हुआ कि हम इसके माध्यम से कम साल के जो है कुछ औसत सीटें अपनी क्या कर पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे। अब आप ऐसे इमेजिन करिए बेटा कि अगर 120 की एक बटालियन है, 2 हुई तो कितना हो गया बेटा, 240 हो गया। अब 240 हो गया, अब इसके साइकिल को मैं समझाता हूँ तो भी आप लोग समझ पाएंगे। तो अब समझो 3 साल नेशनल डिफेंस एकेडमी में आप रहते हैं, लास्ट ईयर लोग आई में जाते हैं, एफए जाते हैं, फिर नेवी वाले एजेमाला चले जाते हैं, तो 3 ईयर का जो जर्नी है, अब आप समझिए कि 3 ईयर में बेटा जो होगा वो 8-800 का हिसाब कितना होगा, मतलब 800 कैंडिडेट हर साल क्या होंगे बेटा, वहाँ से निकलेंगे। तो 800 का शॉर्टेज हुआ कि नहीं हुआ, अब 800 को एक बार में नहीं भरते, साल में 2 बार एग्जाम करते हैं, तो कितना कितना एंट्री जाएंगे बेटा, 400 जाएंगे, कितने जाएंगे, अभी तक जो 365 या 370 ले पा रहे थे, अब ये जा करके 400 के आसपास ले पाएंगे। तो अब टेक्निकली देखा जाए तो कहीं कि 70-80 जो है या 100 के आसपास का इनटेक हर साल का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिससे जो शॉर्टेज हमारे यहाँ ऑफिसर्स की हैं भैया, उसको उस चीज़ को वहाँ पे क्या कर पाएंगे, वो फुल कर पाएंगे। तो इस तरह से बढ़ाया गया। अब एकेडमी में आप एकाएक संख्या थोड़ी बढ़ा देंगे बेटा, वहाँ एक बच्चा जाता है तो उसकी लाइफ होती है, उसका अपना रूम होता है, उसकी अपनी लाइफ स्टाइल, एक स्पेस है, फिक्स है, उसको बढ़ा घटा, एंड दे आर गोइंग टू गेट अ प्रॉपर ट्रेनिंग इन द प्रेस्टिजियस एकेडमी, द क्लास स्टैंडर्ड एवरीथिंग इज अप टू द मार्क, सब कुछ बहुत कमाल का होता है। तो लाजमी सी बात है कि एक कैंडिडेट भी एक्स्ट्रा आ गया ना, तो एकेडमी कहाँ जगह देगी उसको, जबरदस्ती तो जगह नहीं बनाएगी ना, उसी हिसाब से ड्रेस कोड है, उसी हिसाब से शूज हैं, उसी हिसाब से सब कुछ, उसी हिसाब से क्या होता है, सेट होता है, एक जाते हैं एक आते हैं। अब मुझे आप बताइए कि एकेडमी तो अपना 6-6 महीने में इंटेक भरेगी कि नहीं भरेगी, नहीं भरेगी तो कैसे चलेगा, आप मुझे बताइए, कोई ऑप्शन है क्या इसका, हाँ शॉर्टेज हो सकता है, क्या हो सकता है, और वो हो गया शॉर्टेज हो गया, क्योंकि वो कभी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बुलाएं उस एक्सपेक्टेशन पे बच्चे नहीं मिले उनको, तो लाजमी सी बात है कि उस साल क्या चली गई वैकेंसी, वही शॉर्टेज होते होते आज 9132 के आसपास क्या हो गया ऑफिसर्स का, शॉर्टेज हो गया। तो ये कोई मनाना अच्छी बात नहीं है, एग्जाम होने चाहिए, और हम शुक्रगुजार हैं कि हम फौज का हिस्सा हैं, एटलीस्ट सब कुछ सिस्टमैटिक है और सब कुछ प्लान है। चलिए तो लेट्स हैव लिटिल बिट क्वेश्चन, अभी मैं उतना इंट्रैक्टिव तो नहीं हो पाता हूँ, वैसे सौरभ सर एक बार स्टार्ट हो जाते हैं तो चालू रहते हैं, क्या रहते हैं, इट्स ऑलवेज, तो अच्छा लग रहा है क्योंकि आफ्टर ऑलमोस्ट 3 मंथ लास्ट मेरा जो इंट्रैक्टिव हुआ था, 3 महीने से ज़्यादा हो गए, वो 26 या 27 मार्च को हुआ था, और उसके बाद आज हम लोग 1 जुलाई को आमने सामने मिल रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें क्या हो गई, बट लकली इस बीच एक अच्छी चीज़ रही कि हम लोग ऐप के माध्यम से आमने सामने आके बात करते रहे। तो लगातार मैं आपको वीडियोस लाके देता रहूँगा अच्छे अच्छे बेटा, उन सफल बच्चों का, मेहनती बच्चों का, जिन्होंने वाकई में हार्डवर्क करके, आप अब बिलीव करिए, वंस आई मेट विद दैट नेवी चैप्स जिनका एडमिट कार्ड आया हुआ है, ऑलमोस्ट 1000 के आसपास कैंडिडेट थे जिनसे मैं बात कर रहा था, उन सबका एडमिट कार्ड, अब ज़्यादा ले भी नहीं सकता, उसमें सीट ही 1000 मिली है, जो मोटिवेशन सेशन होता है तो उसमें 1000 सीट मिलती है, तो जितने बच्चे आते हैं सबको हम परमिशन देते हैं। तो उसमें बच्चों को मैं देख रहा था कि जो बच्चे थे बेटा वो भी टैलेंटेड थे, ऐसा नहीं था कि उनके अंदर किसी एंगल का हुनर कम हो, अगर उन्होंने वाकई में वो 90, 95%, 96%, 97% पाए हुए, 98% पाए हुए हैं, द वन कैंडिडेट वॉज देयर 99%, हमने कहा माशाल्लाह कहाँ से आया बंदा, हाँ तो ऐसे ऐसे भी सुरमा बैठे हुए थे, दे ऑल वर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी वेरी गुड गाय, मतलब कमाल के बच्चे लग रहे थे। कभी टाइम मिले तो इंडियन नेवी वाला इंट्रैक्शन जरूर देखिएगा बच्चा आप लोग, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, एनडीए के कुछ बच्चों ने इसमें भी एग्ज़ाम दिया था बेटा, अच्छा अच्छा कोई सेलेक्ट हुआ है इसमें से एनडीए में, कौन कौन, अच्छा आप दोनों लोग फाइनल हुए हैं, चलिए बहुत बढ़िया है। तो 18 अप्रैल वाला एग्ज़ाम दिया था, अभी 14 नवंबर के लिए फोकस होना है, नाउ यू हैव डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वट वट परसेंटाइल यू गॉट इन 10 प्लस 2 बेटी, 87, विच स्टेट, उत्तर प्रदेश, दैट्स गुड, और 88.6 ने भी भेजा है ना, चलो कोई नहीं, अभी जो अगला आ रहा है इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा
और आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी, तो आपको कोई लॉस नहीं होने पाएगा, ठीक है। तो नाउ बडी यू हैव डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर मेरे को अगला एग्जाम भी अच्छा करना है, एंड पहले यू नीड टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी बेटा टू मेक यू अप टू द मार्क। कम्युनिकेशन प्रोग्राम वगैरह भी जितनी जल्दी जुड़ सकते हैं उतनी जल्दी जुड़ जाइएगा, बिकॉज द लैंग्वेज डोंट हैव ऑप्शंस। इफ यू टॉक अबाउट द कमीशन कैटेगरी स्पेशली इन ऑल NDA एंट्रीज फॉर द आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी, तो आई थिंक कम्युनिकेशन प्लेड अ वाइटर रोल एंड यू नीड नॉट टू बी डिफीट विद दैट ऑब्जेक्ट, यू नो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा हम नहीं कह सकते सर आई एम कमिंग फ्रॉम द विलेज एरिया दैट्स आई एम नॉट एबल टू स्पीक इट आउट। यू कैन, आप कुछ भी कर सकते हो एंड यू हैव पोटेंशियल टू दैट, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन सर। और कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? अभी जिम्मेदारी डबल हो गई है सर, बिकॉज अपकमिंग एग्जाम्स में भी अच्छा करना है और पहली बेटा जो है ये SSB में भी आपको कमाल का करना है। और ऑब्वियसली वंस यू फील कम्फर्टेबल यू कैन स्टार्ट द SSB क्लास 2, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो लिंक भेजने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैंने कल डेट बता दिया, अगस्त लास्ट वीक में या सितंबर फर्स्ट वीक से आपका SSB क्या हो जाएगा बेटा, स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ अ टाइम टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन फर्स्ट, बिकॉज विदाउट अ गुड कम्युनिकेशन बेटा यू कांट क्रिएट अ इंपैक्ट। बिकॉज टॉक अबाउट द स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी, इंटरव्यूजिटी एंड ऑल, राइटिंग एंड वर्बल कम्युनिकेशन बोथ नीडेड अप टू द मार्क, देन यू नीड टू वर्क फॉर दैट ओवरऑल। और सेकंड, मैं अभी जबरदस्त सेशन भी लाने चल रहा हूँ, आज मेरा कैप्टन सर के साथ इंटरेक्टिव सेशन है, कल वो वीडियो पब्लिश होगा आप लोगों को, तो मैं ऐप पे पर्सनली आ रहा हूँ मिलने के लिए, तो उस सेशन में भी आप लोग रहिएगा। तो वहाँ पे हम बहुत सारी बातें करेंगे कि आखिर कैसे हम लोगों को जो है आगे की तैयारी के लिए काम करना है ना, विच प्रॉस्पेक्ट यू नीड टू वर्क, बिकॉज बींग NDA एस्पिरेंट वट टाइप ऑफ क्वालिटी एंड पर्सनैलिटी यू नीडेड। बिकॉज बेटा टॉक अबाउट द कमीशन कैटेगरी एंड स्पेशली फॉर द SSB यू नीड टू बी वेरी मैच्योर एंड यू नीड टू बी वेरी बैलेंस इफ यू वॉन्ट टू गेट कमीशन कैटेगरी इन आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी। तो बड़ी जिम्मेदारी है और आपने किया है बेटा, तो आप काबिल हैं, बस आगे भी इसी डेडिकेशन को मेंटेन है। व्हाट्स योर नेम बच्चे, आपका क्या नाम है भैया? मनोज, कहाँ से बिलोंग करते हैं मनोज? हरियाणा से हो आप, बढ़िया जी। कहाँ से? फरीदाबाद से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बेसिकली जो है 10+2 डन कर लिया, नाउ इन अपीयरिंग आज इधर, मतलब हरियाणा बोर्ड से किया, CBSE बोर्ड से किया? CBSE बोर्ड से किया। क्या एक्सपेक्टेशन है परसेंटेज वगैरह की? नहीं तभी कोई एक्सपेक्टेशन तो बन रही होगी सर, इतना जाएगा, एक क्राइटेरिया तो निकल ही आया है। हाँ जी सर, बस वेरी गुड। तो लास्ट टाइम यू अपीयर फॉर द 18 अप्रैल एग्जाम, बजा हैव यू अपीयर फॉर द 18 अप्रैल एग्जाम फॉर NDA? आई डिडंट अपीयर। ये फॉर्म भर दिया है ना, दस, वेरी गुड, जम के मेहनत करिए। आई नो बेटा फॉर यू इट्स अ न्यू लोकेशन एंड न्यू प्लेस, बट एक चीज़ मैं इस प्रयागराज और माँ सरस्वती की धरती के लिए खास कह सकता हूँ, फॉर होल कंट्री दिस इज अ प्लेस फॉर द स्टडी ओनली। इस शहर में आप केवल पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और कुछ करने को है ही नहीं। इट्स अ सच अ टाइप ऑफ डेवलप्ड विलेज, हम इसको क्या बोलते हैं, मतलब नो लाइफस्टाइल, नथिंग, यू जस्ट नीड फोकस, केवल पढ़ो पढ़ो, और तुमको भी चारों ओर पढ़ते हुए ही दिखेंगे, क्या दिखेंगे, और किसी के पास कोई काम नहीं है। तो आई नो चेंजिंग द स्टेट, कमिंग इन डिफरेंट स्टेट, इट्स अ चैलेंजिंग, और शायद मेरे लिए भी टफ था एक टाइम में, बट समबडी टोल्ड मी कि लाइक आप जिस चीज़ की सर्विस के लिए जा रहे हो ना, वहाँ तो हर 2 साल में एक नई दुनिया में आप जाओगे, नए राज्य में जाओगे, नई लोकेशंस में जाओगे। और इसीलिए SSB के दौरान बेटा एक पॉइंट ऐड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑल फैक्टर 2, एंड दैट्स नॉट ओनली कॉपरेशन, दैट्स कॉल्ड सोशल अडेप्टेबिलिटी, एंड दैट्स मेक द लेसन यू आर कैपेबल टू गेट इट और नॉट एग्जैक्टली। और ये बहुत, क्योंकि कुछ चीज़ें ना बेटा ट्रेनेबल क्वालिटी, जैसे 14 हम जो OLQs की बात करते हैं, 15 OLQs की हम जो बात करते हैं, उनमें आपको पता होना चाहिए कि उसमें से आपकी 6 क्वालिटी ऐसी हैं जो कि ट्रेनेबल ही नहीं है, मतलब उनको आपके अंदर ट्रेन नहीं किया जा सकता है। उनमें एक सबसे बड़ी चीज़ आती है बच्चा सोशल अडेप्टेबिलिटी, क्या आती है, इसमें लिखा होगा सोशल अडेप्टेबिलिटी। तो ये बड़ा ज़रूरी है फैक्टर 2 में, और इसके लिए कोई, और उसी के साथ साथ आता है कि कॉपरेशन फैक्टर कैसा आपका है, और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ये हिस्सा है जो अहम हो जाता है। तो लाइक somebody talks or what is the mean of class, why we are coming to the class, we can study in home, we get the tuition classes, the subjective test is that in the UPSC examination, in other examination, na? But that's not a subjective test. Ultimate, after the written examination, buddy, you need to go for the SSB. And that's complete personality test. And the personality ka groom hona must hai. And without challenges, without efforts, without newness, you can't develop these quality in you. Bina un sab ke wo quality aapke andar develop nahi hogi. Sense of responsibility word kehne ka nahi hai. Is sense of responsibility ab bahar aane pe sikhayega. क्योंकि अभी तक फैमिली आपको अरेंज करके देती थी हर चीज़,
अब आपको अपने जूते खुद मेंटेन करने हैं, अपने कपड़े खुद दुरुस्त करने हैं, अपना बर्तन खुद साफ करना है आपको, आपको अपने खाने के टाइम का खुद ख्याल रखना है, आपको अपनी फिटनेस का खुद, एंड दैट्स कॉल्ड द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अदर सेंस, कि हाँ आप सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपके अंदर आना स्टार्ट हो गया। अपने रूम को आपको खुद ऑर्गेनाइज करना है, अब कोई और ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं आएगा। तो दैट्स अ लर्निंग व्हाट वी लर्न एग्जैक्टली, और स्टेप बाय स्टेप यही वैल्यूज हैं जो आपके अंदर डेवलप होंगी और उसको पॉजिटिवली ऑप्ट करके आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है बच्चा, तो जस्ट बी पॉजिटिव एंड एनर्जी के साथ लगी आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बच्चे? अयोध्या से, भगवान राम की धरती से। अभी अयोध्या तो सबसे इंटरनेशनल प्लेस बनने जा रहा है, इट्स ऑलवेज गुड। बन रहा है कि कह रहे हैं केवल? बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, इतना बड़ा विकास चरम सीमा पे है, दैट्स गुड। तो बस कह दो सर हम लोगों का भी विकास होने दीजिए, क्लास करने दीजिए, कुछ बनने दीजिए और अयोध्या का नाम करने दीजिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस डाउन, बैठो बच्चा, थैंक यू। तो चलिए कंग्रेचुलेशन नई जर्नी शुरू करने के लिए। अब थोड़ा नया शहर है, नई जगह है, थोड़ा मन लगने में समय लगता है, बट घबराओ मत, दो चार छः दिन के अंदर इतना अच्छा लगने लगेगा कि नशा हो जाएगा कि नहीं सर बिना चार पाँच घंटे कैंपस में रहे मज़ा नहीं आता। फिर जाता है आदमी घर पे, इतना काम रहता है, फिर वो सवाल लगाना, और ध्यान रखना कि हर टॉपिक के साथ ही क्वेश्चन ख़त्म करते चलना, और ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं होगी, ये जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी होगी। और बेटा मस्त पढ़ते जाओ, मस्त पढ़ते जाओ, मज़ा आता जाएगा और चीज़ें बेहतर